वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाओ, वर्ल्ड क्लास ट्रेन। भाई आज तक तो यही सोचा जाता था, पुरानी सरकारें थी, बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े नेते हुए, लेकिन यही सोचते थे कि भाई अच्छी ट्रेन लानी है, जाओ भाई यूरोप जाओ, यूरोप से इंपोर्ट कर लो। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हमारे डिजाइनर आज दुनिया भर के लिए जो अच्छी चीजें बना रहे हैं, वो हमारे लिए भी हिंदुस्तान में डिजाइन होनी चाहिए। लग पड़े, कठिन काम था, आसान काम नहीं था भाई, बहुत मुश्किल काम था, लग पड़े, समय लगा, लेकिन ऐसी ट्रेन तैयार हुई है वंदे भारत, जो आप सब एक बार बैठोगे जब, अभी देश के कोने कोने में चलेगी, देश के कोने कोने में चलेगी, आप बैठोगे आप आश्चर्य करोगे किस तरह की उसकी क्वालिटी है। अभी मोदी साहब ने ट्रेन चालू की गांधीनगर से मुंबई की, 5 बार पीएम साहब खड़े हुए फोटो खिंचवाने के लिए टेक्नीशियन के साथ, वेल्डर के साथ, इलेक्ट्रीशियन के साथ, 1 बार भी कहीं पे सहारा लेना नहीं पड़ा। इतनी स्टेबल गाड़ी है, आपने कितने लोगों ने वो वीडियो देखा भाई, 180 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, कितने लोगों ने देखा वीडियो? बहुत लोगों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे आज जरूर देखना। पानी की ग्लास 180 की स्पीड पे एकदम स्टेबल है, गिरी नहीं पानी की ग्लास, पानी की ग्लास तो हिली नहीं, सारी दुनिया हिल गई कि कैसे हिंदुस्तान में इतनी शानदार ट्रेन बनी है। सारी दुनिया आज नोटिस कर रही है, सारी दुनिया आज इस चीज को नोटिस कर रही है कि हिंदुस्तान किस तरह से आगे जा रहा है। और सबसे खुशी की बात, सबसे खुशी की बात, पंत प्रधान साहब ने बोला कि ये वंदे भारत का निर्माण मराठवाड़ा में भी होना चाहिए, मराठवाड़ा के लातूर की फैक्ट्री में वंदे भारत का निर्माण होगा। ऑलरेडी इसके लिए टेंडर निकल चुका है, ऑलरेडी इसके जो मशीनें लगनी है वो मशीनें लगने का काम चालू हो गया है, ऑलरेडी जो फैक्ट्री में चेंज करने हैं वो फैक्ट्री में मॉडिफिकेशंस की काम चालू हो गया है, और वहां पे अब इसका नया जो वर्जन आएगा, नई डिजाइन, इससे भी बेहतर डिजाइन, जैसे फोन हम देखते हैं ना हर साल जो फोन का नया वर्जन आता है तो हमेशा उसका एक इम्प्रूवमेंट आता है, तो वंदे भारत में भी हर साल नए 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 इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। अभी ये सीटिंग वाली है, चेयर कार है, आगे स्लीपर वाला बनेगा, राइट, जिससे कि आप ओवरनाइट जर्नी कर सको, लंबी दूरी पे भी जा सको। बैठने वाली जर्नी तो 300-400 किलोमीटर तक की होती है, ओवरनाइट जर्नी में स्लीपर चाहिए, तो वो भी अगला होगा, और वो वैसी वंदे भारत बनेगी लातूर में, वैसी वंदे भारत बनेगी मराठवाड़ा में। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स बनेगी मराठवाड़ा में, और निश्चित ही मराठवाड़ा के कोने कोने को, महाराष्ट्र के कोने कोने को भी वंदे भारत जोड़ेगी। अब एक बार डिजाइन बन जाती है, आप में से कितने लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं, आप समझते होंगे इस बात को कि कभी भी नया प्रोडक्ट बनता है पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद में क्या फीडबैक आया उसके हिसाब से उसमें बदलाव किए जाते हैं, और बदलाव के बाद में सीरियल प्रोडक्शन होता है। तो अब नवंबर के महीने से वंदे भारत का सीरियल प्रोडक्शन होगा, यानी पहले महीने में 3 गाड़ियां, फिर महीने में 5, फिर महीने में 8, इस तरह से गाड़ियां मैन्युफैक्चर होगी। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिस परिवर्तन की आज अगर हम कल्पना करें तो ये कल्पना शायद आज करना मुश्किल हो, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन तैयार हो रही है। मैं तीसरे विषय पे आऊंगा, भारत गौरव। हमारे पास में शिरडी साईं बाबा, इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान, आप विश्वास करेंगे जब मोदी जी ने कहा कि भारत में हमारी संस्कृति इतनी
रिच कल्चरल हेरिटेज है कि देश के कोने कोने में ऐसी सुंदर जगह, ऐसी ऐतिहासिक जगह है कि जहां पे जाके लोगों को देखना चाहिए और इसको एक्सपीरियंस करने का जरिया बने रेलवे। तो भारत गौरव यात्रा की कल्पना की गई, पहली गाड़ी चलाई पिछले साल रामायण की थीम पे, सुपर हिट हुई, एक एक ट्रेन पे तीन तीन महीने पहले बुकिंग, दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी शिरडी साईं बाबा के, साउथ से लेके शिरडी साईं बाबा तक शिरडी साईं बाबा के थीम पे आधारित गाड़ी ऑलरेडी चालू हो गई है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी चलनी चालू हो गई है।